Dear today I will teach you about articles, grammar. This is chapter 5, article. Dekhiye beta, there are three kinds of article, a and the. Dekhiye, a and or the. तो देखिए बेटा, ए और एन जो है वो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल एन आई, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द. देखिए बेटा, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ए एंड एंड द. जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो आपका ए एन कहलाता है और जो द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. वेन वी यूज आ, वेन वी यूज एन एंड वेन वी यूज द. कहां हमें ए का यूज करना है, कहां हमें एन का यूज करना है, कहां हमें द का यूज करना है. देखिए बेटा, इंडेफिनेट आर्टिकल आर ए एंड एन. They do not refer to a particular noun. A और जो N है वो आपके particular noun को refer नहीं करता है. Understand बेटा? They refer to a noun generally. ये generally किसी noun को refer करते हैं. I use before noun that do not begin with a vowel sound. देखिए बेटा, जो vowel sound से शुरू नहीं होते हैं उनके पहले हमें A का use करना होता है, और जो vowel sound से शुरू होते हैं उनके पहले एन का यूज करते हैं, एन का यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, श्रुति बर्न्स अ ब्लैक, श्रुति बर्न्स अ ब्लैक शर्ट. देखिए बेटा, इसमें जो श्रुति बर्न्स अ ब्लैक शर्ट, श्रुति जो है वो एक काली शर्ट चाहती है, तो ब्लैक आपका कंसोनेंट है, इसलिए इसके पहले आ का यूज हुआ. इसी तरह से आर्टिकल ए शो द श्रुति हैज नॉट सेड विच ब्लैक शर्ट, यानी कि यहाँ पे वो कह रही है कौन सी ब्लैक शर्ट, ये कोई क्लियर नहीं है. वह केवल ये जानना चाहती है जो ड्रेस जो वो चाहती है वो कैसी है, काले कलर की है. फॉलोइंग केसेस देखिए, इन द सेंस ऑफ बर्न और एनी, बन और एनी के रूप में ए और एन का यूज होता है. मैंने आपको बता दिया, अगर आपका वर्ड वाउवल साउंड है तो एन आएगा, कंसोनेंट साउंड है तो आ का यूज होगा. जैसे देयर इज अ शर्ट इन द कबर्ड, तो देखिए ये आपका ए का यूज हो गया. देयर इज एन आंट इन योर कप ऑफ टी, देयर इज एन आंट. आंट देखिए, आंट क्या है, आपका वाउवल है, वाउवल आवाज है, इसलिए इसके पहले एन का यूज हुआ है. देयर इज एन आंट इन योर cup of tea. To denote class or species. देखिए, वर्ग या नस्ल को शो करने के लिए भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं. जैसे द फॉक्स इज वाइल्ड एनिमल, तो देखिए फॉक्स क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, ये उसकी नस्ल है फॉक्स की, तो इसके पहले यूज ए का यूज हो गया. एन एप्पल इज हेल्दियर देन अ केक, एन एप्पल. देखिए एप्पल क्या है आपका, जो एप्पल है बेटा वो क्या है, वाउवल साउंड है, इसलिए एप्पल के पहले एन आ गया. एप्पल एंड एप्पल इज हेल्दियर देन अ केक, यानी कि जो एप्पल है वो केक से ज्यादा हेल्दियर होता है. टू गिव अ प्रॉपर नाउन द मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में हम यूज करें तो वहां पे आर्टिकल ए का यूज होता है. जैसे ही थिंक्स ही इज अ वर्ड्सवर्थ, वो समझता है कि वो एक वर्ड्सवर्थ है. देखिए तो वर्ड्सवर्थ क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन जो किसे कह रहा है, एक कॉमन नाउन के रूप में यूज हो. प्रॉपर नाउन द मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं. और वैसे जो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होते हैं ये विदाउट आर्टिकल यूज होते हैं. इन सर्टेन एक्सप्रेशन
और नंबर जो सर्टेन एक्सप्रेशन या जो नंबर्स होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। जैसे ही हैड बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम असगर, यानी कि हैड बोरोड 100 रुपीज, उसने असगर से 100 रुपीज बारो लिया, उधार लिया, तो 100 के पहले आ का यूज आया। टू शो द रेट, अगर हमें रेट दिखाना होगा, अगर हमें रेट शो करना होगा तो उसके पहले भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट पेट्रोल एट रुपीज 72 अ लीटर, यानी कि जो पेट्रोल जो था वो हमने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो थी वो हमने 72 रुपीज पेड की, ठीक है। तो द इस तरह से वहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, ए और एन। देखिए द आर्टिकल इज स्टार्ट एनी आर्टिकल तो बी यूज ए कंसोनेंट साउंड एंड बी यूज एन वोवल साउंड। अब देखिए द डेफिनेट आर्टिकल इट इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नाउन, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ये आपको स्पेसिफिक नाउन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। बी यूज इट वेयर वी नो विच पर्टिकुलर नाउन और वी आर टॉकिंग, हम जब हम ये पते हैं कि हम किस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। जैसे हम कहें श्रुति बांट्स द ब्लैक ड्रेस, यानी कि यहाँ पे क्या है, श्रुति बांट्स द ब्लैक शर्ट, श्रुति क्या जाती है, ब्लैक शर्ट जाती है। अगर हम इसकी जगह लिख दें श्रुति बांट्स द ब्लैक शर्ट, यानी कि श्रुति जो है वो क्या चाहती है, ब्लैक शर्ट चाहती है। श्रुति क्या चाहती है, ब्लैक शर्ट चाहती है, यानी कि जो शर्ट है वो विशेष है, स्पेशल है, इसीलिए यहाँ पर इसके पहले द का यूज हुआ। लाइक द डेफिनेट आर्टिकल द इज आल्सो यूज व्हेन रेफरिंग टू अ नाउन व्हिच हैज बीन मेंशनड बिफोर इन द सेंटेंस और अ पैराग्राफ, अगर किसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में उस कैंडिडेट के बारे में, उस थिंग्स के बारे में, उस किसी भी चीज के बारे में अगर पहले बता दिया गया होगा और उसी का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट किया जा रहा हो तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, जैसे हिज मदर गेव हिम अ डायरी, उसकी माँ ने मुझे एक डायरी दी, द डायरी हैज अ ब्लू कवर, और डायरी का जो कवर जो था वो कैसा था, ब्लू कलर था। देखिए पहले सेंटेंस में डायरी आया और दूसरे सेंटेंस में भी डायरी आया, तो जब दूसरे सेंटेंस में डायरी आया तो डायरी जो थी वो कैसी हो गई, विशेष हो गई, क्लियर। लाइक दिस बी यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन वी वांट टू रिफर टू इट इन अ पर्टिकुलर पर्सन, जब हम उसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के रूप में रेफर करना चाहें तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई हैव सीन द मूवी दैट यू मेंशनड, यानी कि जो मूवी आपने मेंशन की थी वो हमने देख चुके हैं। लेट अस गो टू द गार्डन नाउ, चलो अब हम बगीचे में चलते हैं। तो देखिए मूवी जो थी वो स्पेसिफिक थी और जो गार्डन जो था वो पर्टिकुलर था। बी यूज द बिफोर सुपरलेटिव, देखिए जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जितनी भी आपकी रिलीजियस बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स हैं या फिर आपका जो अपने आप में एक हैं या जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, या फिर जो धार्मिक किताबें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, डायरेक्शंस हैं, मून है, सन है, ठीक है, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री वी आल्सो यूज द बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री चूजिंग बिटवीन टू नाउन, जब हम दो नाउन के बीच में चूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में भी हमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हु इज बेटर डांसर ऑफ द टू, तो देखिए बेटर डांसर ऑफ द टू, यानी कि इन दो में जो बेटर डांसर कौन है, तो इसके पहले देखिए द का यूज आ गया। ईच डे इज होटर देन द प्रीवियस वन, प्रत्येक दिन जो है प्रीवियस वन से कैसा है, होटर है। अब देखिए बी यूज द विद द नाउन दैट वर ऑलवेज देयर, जो हमेशा वहीं रहते हैं, जैसे द सन द मून द अर्थ द स्काई,
द ट्विंकलिंग स्टार्स, इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बी यूज द विद अ कॉमन नाउन व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब हम होल क्लास के लिए रिप्रेजेंट करें किसी कॉमन नाउन को तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द मंकी इज वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, यानी कि जो मंकी है वो कोई एक मंकी नहीं है, वह मंकी के पहले द लग गया, इसका मतलब पूरी होल क्लास जो मंकी है वो कैसी है? इंटेलिजेंट है। बी यूज द बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव, जैसे जो सर्टेन एडजेक्टिव है, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज इन द माउंटेन, द मोर डेंस केयर द क्लॉथ द मोर कॉस्टली इट इज, तो आर्टिकल हम द का यूज करते हैं। क्लियर? फॉलोइंग जैसे द लास्ट, द फर्स्ट, द ओनली, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, बी कैन नॉट यूज द विद लास्ट नाइट विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इन लास्ट ईयर लास्ट नाइट द वर्ड लास्ट मीन्स प्रीवियस, इन नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट नाइट द वर्ड नेक्स्ट मीन्स द ईयर आफ्टर नाइट आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब वेयर भी यूज, अब हमें आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल ए एंड द का यूज हम कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल द का यूज, जो आर्टिकल है ए एंड बी, उनका यूज हम कहाँ नहीं करते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, उनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डेज और मंथ हैं, उनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट हैं, उनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मील्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बीमारी के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्लैनेट्स के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसी तरह से नॉन स्पेसिफिक प्लूरल नाउन है, जैसे डॉल्फिन है, कैलेंडर है, इनके पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके बेटा, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर एक्टिविटी ए बी सी दैट विल बी डन एंड सेंड यू टू, अब इसकी जो एक्टिविटी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके बाय, ठीक है बेटा।